नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर के मड़ियाँ कोतवाली चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को मछली शहर के सांसद बीपी सरोज के प्राइवेट गनर ने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस के साथ हुई सरेआम मारपीट से पुलिस कर्मियों में रोष व्याप्त है। सूचना मिलते ही दर्जनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर सांसद की दूसरी गाड़ी को रोक लिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद गाड़ी समेत आरोपी गनर को कोतवाली ले जाया गया। इस पूरे मामले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो आप देख रहे हैं। बुधवार को दिन में करीब 4 बजे मड़ियाहू नगर में राम रथ जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस के मद्देनज़र पुलिस ने कोतवाली चौराहे पर ट्रैफिक रोका था। रथ निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल हुआ तो ड्यूटी पर तैनात सिपाही साहबलाल यादव एक एक करके वाहनों को पास करा रहा था। इसी बीच मछली शहर से भाजपा सांसद का काफिला पहुंच गया। सिपाही ने रास्ता जाम होने के कारण सांसद के वाहन को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण आग बबूला होकर सांसद का निजी गनर सिपाही की पिटाई कर दिया। कोतवाली के ठीक सामने हुई पुलिस की पिटाई से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद जनता के बीच बचाव करके कांस्टेबल को छुड़ाया गया। सूचना मिलते ही कोतवाली में मौजूद दर्जन भर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर आरोपी को वाहन से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उतरा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस गनर को वाहन सहित कोतवाली ले गई। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हालांकि सांसद बीपी सरोज का कहना है कि मामले में सिपाही द्वारा अभद्रता की गई थी, जिसका उनके गनर ने विरोध जताया था। पर तो यहाँ चौराहे पर ड्यूटी थी और जब रथ आगे निकल गई है तो पीछे से उसके गाड़ियाँ लाइन से लगी थी और सभी गाड़ियाँ जा रही थी एक लाइन से और इधर से भी जा रही थी। इधर उधर कटने की कोई रास्ता नहीं था। पीछे पीछे इनकी भी गाड़ी आ रही थी। सांसद जी आए और उन्होंने मुझे बुला कर कहे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दिया की गाड़ी आ रही है। हमने कहा सर हम किसी गाड़ी को उठा करके इधर उधर नहीं कर सकते। सांसद जी को हम नहीं पहचानते कौन सांसद थे, नाम तो था, लेकिन सांसद आगे लिखा था उन्होंने, मैंने वो सांसद जी बैठे थे आगे। और उसके बाद हमने कहा गाड़ी इधर उधर नहीं कर पाएंगे, जब गाड़ी आगे निकल पाई आप आ गए हैं, अब आप निकल जाइए इधर से, तब तक ये कुछ हमको मैंने अब जो भी कहे हो हम नहीं कर सकते। उसके बाद पीछे वाली गाड़ी जो है उसमें से एक आदमी उतरा और गार्ड उतरे और उसने तुरंत हमको मारना शुरू कर दिए और 2-3 थप्पड़ हमको मार दिए तुरंत चौराहे। हमको जो है छुड़ाने वाले तो पब्लिक वहां आ गई और पब्लिक ने ही उनको हटाया और बढ़ाया। उसके बाद ये गाड़ी में बैठ के जाने लगे, हमने गाड़ी रोक दिया कि हम गाड़ी जाने नहीं देंगे, पहले बता दीजिए हमको किस क्यों मारे, हमने क्या गलती किया था, क्यों मारे, बस इतने से। क्या नाम है सर? साहब साहब यादव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।